السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरे से होंगे. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे. आज मैं बहुत ही टेस्टी यमी डिश ला रही हूँ, जो कि ज़्यादातर आप शादियों में भी खाते हैं और घर पे भी बना के साथ खाते हैं. इन पुलाव एंड बिरयानी में तो ये इतनी टेस्टी लगती है इसके साथ, जो कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज बनाने जा रही हूँ रायता. रायते के लिए मैंने सबसे पहले धनिया पुदीने का पेस्ट बना लिया. तकरीबन मैंने ली है 2 से 3 चम्मच. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया. इसके बाद इसके अंदर नेस्ले की यगर्ट यूज़ किए मैंने. नेस्ले की अगर मैंने यूज़ किए 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं यूज़ की मैंने, इसलिए मैं डार्क ग्रीन कलर का रायता बना रही हूँ. बाज़ वाइट बनाते हैं तो उसके लिए अगर ज़्यादा होती है और चटनी कम होती है, और मैं डार्क ग्रीन कलर का बना रही हूँ जिसमें दही कम होती है और चटनी ज़्यादा होती है. तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा. अब मैंने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट एंड चाट मसाला एंड ब्लैक पेपर पाउडर. इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है. आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का है ये. और ब्लैक पेपर, नमक और चाट मसाले तो ये इसका राज है कि इसके अंदर जो टेस्ट होता है वो इसी मसालों से आता है. तो बहुत हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी. इसकी डेकोरेशन में कर रही हूँ धनिया पुदीने से, एक पत्ते से धनिया पुदीने के, और इसके अलावा अनार के दानों से डेकोरेट करूँगी टेस्ट करके. हूँ वेरी अमेजिंग, टेस्टी, मज़ेदार, ख़तरनाक. आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें. मिलती हूँ, चलती हूँ, दुआ में याद रखें. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.